बेशर्मी त्यागिए तेजस्वी जी, सीधा सीधा हमला बोला है जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने। नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल पे। जिस तरह से कल हमने खबरों के माध्यम से बताया था, तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके आरसीपी टैक्स पर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि इतने बड़े पैमाने पर महिलाओं के साथ छेड़छाड़ की घटना बढ़ रही है, महिलाओं के साथ अपराध की घटना बढ़ रही है, लेकिन फिर भी प्रशासनिक फेरबदल नहीं हो पा रहा है। इसका सीधा सीधा इल्जाम उन्होंने लगाया था आरसीपी टैक्स पर। एक ट्वीट भी किया था, जिस तरह से आप अपनी स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे होंगे कि नीतीश जी बेशर्मी का चादर ओढ़े हुए हैं और आरसीपी टैक्स जो लग रहा है इसीलिए प्रशासनिक फेरबदल नहीं हो रहा है, क्योंकि करोड़ों का घपला जो हो रहा है आरसीपी टैक्स के बहाने, प्रशासनिक फेरबदल को लेकर पैसे वसूले जाते हैं। इसी के ऊपर तीखा प्रहार करते हुए, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था, नीतीश कुमार खुद नहीं बोलते हैं लेकिन उनकी पार्टी की तरफ से कोई ना कोई पलटवार होगा, और अब पलटवार हो गया है। जदयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने ट्वीट का बदला ट्वीट से दिया है। जिस तरह से आप अपनी स्क्रीन पर वो नीरज कुमार का ट्वीट देख रहे होंगे, उन्होंने कहा है कि बेशर्मी त्यागी है तेजस्वी जी, उन्होंने देख रहे हैं जिस तरह से ट्वीट में लिखा है, और यह भी लिखा है कि आप 8वीं पास हैं इसलिए आपको उतना सब कुछ पता नहीं चल पाता होगा, क्योंकि बचपन से ही जीएसटी आपको पता होगा। जी हां, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स नहीं, उन्होंने साफ साफ लिखा है गुंडा सर्विस टैक्स। एक तरह से उन्होंने 90 के जमाने का उन्हें जंगल राज याद दिला दिया है, जिसे कहकर अक्सर सरकार में बैठे हुए लोग तेजस्वी का मजाक उड़ाते हैं, और यह भी कह रहे हैं कि वे लोग प्रशासन पर सवाल उठा रहे हैं जिनके पिता खुद चारा घोटाला में सजायाफ्ता हैं और बेल के लिए तड़पड़ा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि लालू प्रसाद यादव जिन्हें सरेंडर करना है, वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव पर इस तरह से हमला बोल रहे हैं जदयू के प्रवक्ता लगातार। देखने वाली बात यह होगी कि तेजस्वी यादव इस 8वीं पास वाले बयान पर क्या कुछ कहते हैं, और जीएसटी गुंडा सर्विस टैक्स, ऐसे तो होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, लेकिन गुंडा सर्विस टैक्स जिस तरह से नीरज कुमार ने कहा है, उसके बाद तेजस्वी यादव क्या पलटवार करते हैं, क्योंकि ट्वीट करने में वो माहिर है। जैसे ही वो कोई ट्वीट करते हैं, जैसे ही कोई खबर आती है, हम हर पल के खबरों के साथ आपको जुड़े रहेंगे। जुड़े हैं भारत लाइव टीवी के इस यूट्यूब चैनल से, धन्यवाद। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।